गुड मॉर्निंग ऐसी होनी चाहिए भाई। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुलमर्ग। फ्रेश व्रेश होके पूरा बढ़िया तैयार व्यार होके मैं निकल रहा हूँ। अभी एक सेंटर में मंदिर है, वो आपको अगर दिख रहा हो उधर साइड में चलेंगे मंदिर। थोड़ा सा सीढ़ियाँ हैं उसके ऊपर, क्योंकि पहाड़ के ऊपर सेंटर में बना हुआ है। और बताते हैं ये बहुत पुराना मंदिर है शिव जी का। तो ये जो पहाड़ आप ऊपर देख रहे हो ये पूरा गंडोला है, यहाँ पर जाना है। और ये यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं पूरी मंदिर के लिए। शिव जी का मंदिर है, मतलब बहुत 100-200 साल पुराना मंदिर है। कल मैंने आपको घुमाया, साइट सीन कराया, और आज का दिन आज गंडोला जाऊंगा। अभी टाइम हो रहा है 10:40। मैंने सोचा भाई फ्रेश व्रेश होके नहा धो के पहले एक मंदिर शिव जी के दर्शन करते हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, और उसके बाद निकलते हैं गंडोला के लिए। तो यहाँ से इस मंदिर से आपको पूरा गुलमर्ग दिख जाएगा, क्योंकि ये पहाड़ है सेंटर में, गुलमर्ग के सेंटर में ये मंदिर बना हुआ है, जहाँ से ये सारे होटल्स वगैरह चालू हो जाते हैं। यहीं से आपको दिख जाएगा कि क्या सीन है यहाँ पे। और यहाँ पे आके आप अपना साइट सीन वगैरह कर सकते हो। सेंटर में मंदिर बना हुआ है, शिव जी का मंदिर है, वो आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हो सुबह सुबह। ये अंकल जी हमारे हमारे होटल में साथ में ही थे। हेलो क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम प्रवीण है। प्रवीण चंडीगढ़ से? चंडीगढ़ से। और आंटी का नाम? अनीता। अनीता। तो हम लोग साथ में ही एक ही होटल में थे। कल से अंकल जी की कुछ ज़्यादा, मतलब इन्होंने ATV राइडिंग कर ली है तो ये ज़्यादा खराब हो गई है। ठीक है, अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 साल पुराना ये मंदिर है, और इस मंदिर की जो देख रेख करते हैं वो ट्रस्ट में ही है, टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर में। और जो लोग देख रेख करते हैं उसकी वो सैलरी बेस पे रखे गए हैं। सो बहुत ही अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट है, और आके आप अपना एंजॉय भी कर सकते हो, मंदिर के दर्शन करो। निकलते हैं गंडोला पास, और गंडोला फेज 1 फेज 2 बहुत ही जबरदस्त सीन होने वाला है। तो आई होप यू गाइस विल लाइक दिस व्लॉग, तो लास्ट तक देखना, मजा आएगा। गंडोला दिखाता हूँ गंडोला। तो बाइक से बहुत ट्रेवल कर लिया यार, और हर जगह बाइक से जाता था, राइड एवरीवेयर राइड। सो आई थॉट यार कि कुछ चेंज किया जाए। तो गुलमर्ग जहाँ पे मेरा होटल है वहाँ से मैं निकल रहा हूँ पैदल गंडोला पास की तरफ। मेरे होटल से जो गंडोला पास की जो डिस्टेंस है वो है करीब 1.5 किलोमीटर, और आराम से कवर हो सकता है। सड़कों पे देख लो, ये देखो मेरे पास में ही कितनी ज्यादा स्नो है, पूरा ऊपर पूरा ढका हुआ है देखो। तो पहुँचते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है। बहुत ही मजा आ रहा है यार, बहुत दिन बाद इतना पैदल चल रहा हूँ। सो गंडोला पास मैं पहुँच चुका हूँ, फिर से टिकट लेते हैं। तो ये है टिकट काउंटर, और देखते हैं कि क्या चार्जेस है। तो फर्स्ट फेज की टिकट है ये, और 740 रुपये। अगर सेकंड फेज में जाना है तो 1700 करीब पड़ता है। एक मेन चीज़ ये भी है कि आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी स्वाइप करा सकते हो, दैट इज़ अ मेन थिंग। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, तो वो कैश निकाल के लेके आते हैं। कैश था मेरे पास भी, लेकिन मैंने जहाँ देखा कि स्वाइप मशीन है उसके पास में, तो मैंने कार्ड स्वाइप करवा लिया, ज़्यादा बेटर है। सेकेंड फेज पे फॉग बहुत ज़्यादा है, तो दिखेगा कुछ है नहीं, वहाँ पे जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। सो इसीलिए फर्स्ट फेज पे जाके और वापस आना है। दिस इज द एंट्री पॉइंट। सेकेंड फेज पे फॉग बहुत ज़्यादा है, तो दिखेगा कुछ है नहीं, वहाँ पे जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। सो इसीलिए फर्स्ट फेज पे जाके और वापस आना है। सीन अभी कुछ ऐसा है गंडोला का, ऑलरेडी मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है शिमला में। और गंडोला का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा, जाखू टेंपल जहाँ पे मैं गया था, तो पहले वो जाके देखो, बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस था वो गंडोला का। इसका तो नाम ही गंडोला पास है। फेज 1 फेज 2, तो फेज 1 के लिए मैंने टिकट लिया है, फेज 2 के लिए इसलिए नहीं लिया क्योंकि फॉग वगैरह ज़्यादा है, और अगर बाई चांस कुछ नज़र आ रहा होगा तो फिर मैं फेज 2 का लूँगा। हमारे साथ में अंकल जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम अब्दुल गनी मानी है, मैं सुपरवाइजर गुलमर्ग गंडोला में हूँ। ओह माय गॉड, तो वेरी नाइस टू सी यू, टॉक विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो आई एम हियर टू एक्सप्लोर गुलमर्ग, गंडोला, श्रीनगर, कश्मीर, जो भी चीज़ें हैं। सो सर हैं सुपरवाइजर गंडोला के,
जो यहाँ पे सारी चीजें सुपरवाइज करते हैं, कहाँ पे कैसे क्या चीजें चलती हैं, राइट? सो नाइस टू मीट यू सर। नहीं, बायोडाटा तो लगा हुआ है लेकिन आप कुछ बताओगे तो वो एक अलग ही। वो तो अलग ही एक्सपीरियंस है। तो इसमें बेसिकली जो मतलब कैपेसिटी लोगों की होती है, एक चेयर में जो ये गंडोला है, एक में 6 बैठते हैं। अच्छा, तो मतलब 1 घंटे में हमें कैपेसिटी, हम 1500 लोगों को चढ़ा सकते हैं 1 घंटे के अंदर। हाँ, 1 घंटे के अंदर। ये कितने गंडोला लगे हुए हैं एक कार पे? जो पहला फेज हमारा डिजाइन किया हुआ है, ये 72 कार्स का डिजाइन है। 72 कार्स। इस वक्त हमारे पास 50 कार चल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि रश भी अभी मतलब रश ठीक है, लेकिन कोविड की वजह से कल से हमें फर्क पड़ गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फर्स्ट फेज की जो टिकट है 740 रुपए पर हेड। सेकंड फेज की जो टिकट है 950 पर हेड। तो ये जो भी मतलब यहाँ से ये जो जितने टावर्स हैं टोटल, इसमें फर्स्ट फेज में टावर जो है ये 19 टावर्स लगे हैं। अच्छा। तो सेकंड फेज में हमारे 18 टावर्स लगे हैं। सारा जो कंट्रोल है ये हमारे G2 पे होता है, सेकंड फेज पे होता है, मतलब कंगडोरी में पूरा इसका कंट्रोल है, मेन कंट्रोल जहाँ पे हम करें। सेकंड फेज का भी उसका कंट्रोल ही वहाँ पे है, तो फर्स्ट गुलमर्ग का भी। अच्छा। इसमें पूरे मतलब जो टावर्स है इसमें सेफ्टी लगे हैं, लाइटनिंग कुछ होगी इसमें, ऐसे गेस्ट लगे हैं तो स्टॉप ऑटोमेटिक स्टॉप होता है, तो सेफ है। सेफ मतलब पूरा ऑटोमेटिक है और कोई भी मतलब मैनुअल कुछ नहीं है? इसमें कुछ मैनुअल नहीं है। सो जो गुलमर्ग की जो हाइट है वो सी लेवल से 8,500 फीट है सी लेवल से। इस वक्त हम जा रहे हैं 10.5 की हाइट पे कुंगडोरी में। अच्छा, कुंगडोरी जो फेज वन है कुंगडोरी ना? हाँ, ये तो फेज वन है। इस वक्त हम टावर नंबर 16 के पास है जहाँ जा रहे हैं केबल में। उसके बाद हम पहुंचेंगे G2 स्टेशन में जहाँ से आपको उतरना है। अगर आप उसमें से उसके बाद आप सेकंड फेज की टिकट लेना चाहते हैं तो आगे हमारा काउंटर है। अच्छा। G3 जिसको हम बोलते हैं, टेक्निकली नेम है G3 टिकट काउंटर। तो वहाँ से आपको टिकट मिलेगी 950 की पर हेड। ठीक। उसमें भी थोड़ा आपको टाइम मिलता है, 1 घंटा 1.5 घंटा, जैसा आपका, आपने मौसम खुद देखा। हाँ। विजिबिलिटी ठीक होगी तो आप मतलब आपका मन करेगा मैं बैठूं, तो इट इज पोअर विजिबिलिटी, आपका जी करेगा नहीं नहीं मैं जल्दी नीचे चला जाऊं। हाँ। एक्चुअली ऊपर से बहुत ज्यादा ऊपर है तो विजिबिलिटी है, आप देख रहे हैं इस वक्त, आप मतलब खुद भी आप देख रहे हैं। सो विजिबिलिटी उस हिसाब से नहीं है, वरना फेस टू में मेरा जाने का था लेकिन कुछ कर नहीं सकते। सनी डे अगर होता तो थोड़ा सा मजा आता घूमने में। Everybody is like sunny days. In winter we like sunny days because we are in winter, we are good ski season. People enjoying from our country, especially we are thankful to our country, हमारी country. जितने भी अगर लोग आना चाहते हैं आइए, वेलकम। अगर 1% हमें गुलमर्ग में आइए, अपने कंट्री का हम मतलब जगह नहीं दे पाएंगे लोगों को, इतना मतलब इतने लोग हैं हमारे पास। अच्छा अच्छा। सर से मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छा लगा। और ये सारी चीज़ें टाइमिंग है। अच्छा, ये टेक्निकल डाटा यहाँ पर लगा हुआ है, कितने किलोमीटर है, कितना सी लेवल है, लोकेशन और ड्राइव टर्मिनल कंगडोरी है, और सेकंड फेज भी कंगडोरी ही रहेगा, हाइड्रोली का। तो बात है, टेक्निकल डाटा भी बहुत ही अमेजिंग है। चलो सर, अच्छा लगा आपसे मिलके। आपको वहाँ पे जो बाइक्स वाले हैं, बाइक्स वाले वहाँ पे आपको। अच्छा अच्छा। खाने पीने की चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी, वहाँ पे ढाबाज है, वहाँ पे आपको मिलेगी, वहाँ पे हमारा चीज़ टिकट का। अच्छा। वो सेकंड फेज जाने का रास्ता है जहाँ से वो लोग जा रहे हैं, उस सीढ़ी से जा सकते। ओके चलो सर, सी यू। बहुत अच्छा लगा सर मिलके, थैंक यू। सो सुपरवाइजर थे, बहुत ही अच्छा लगा मिलके, और इन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर करी, इत्तेफाक बहुत अच्छा लग रहा है। सो क्या टेक्निकल डेटा था, किस तरीके से ये बनाया गया है गंडोला, और स्पेसिफिकेशन हाइड्रोलिकली और ऑटोमेटिक
क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डाली गई गंडोला के अंदर वो सुपरवाइज़र भाई साहब ने बताया मुझे। सो बहुत ही अच्छा लगा सारी चीज़ें। अब चलते हैं, देखते हैं, कुछ स्किनिंग वगैरह करते हैं, एडवेंचर। जहाँ देखो उधर स्नो पूरा वाइट है यार, और बोलते हैं ना नंगी आंखों से देख नहीं सकते, तो चश्मा पहनना पड़ेगा। सो भले ही मैं भी यहाँ पे स्नो में हूँ, लेकिन उतनी ज़्यादा ठंडक है नहीं, सो ग्लव्स वगैरह ले लिए थे यार। लेकिन इतने सारे स्नो बाइक गिरना नहीं है, दो बार बच्चों को गिरते गिरते ओए ओए, तीन बार बचा। सो पॉइंट वन का टिकट है 1000 रुपीज़ का, वो लेते हैं। सो दिस इज द टिकट फॉर पॉइंट वन। बढ़िया देना राइडर, मस्त कोऑपरेटिव, इज वेल एजुकेटेड, दैट्स व्हाई आई सेंड हिम टू विद यू। ओके, सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज बशीर, एंड यू आर सर? बशीर मधुर, मधुर मिश्रा। ओके, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। So, so first time, बसीर भाई के साथ में गंडोला पास पे स्नो मोबाइल पे राइड करेंगे और देखेंगे एक्सपीरियंस क्या है, कि अलग अलग शॉट भी लेना है और खुद भी चला के देखना है कि कैसे क्या एक्सपीरियंस मिलता है, वो आपको शॉट देखने के बाद मिलेगा। पहले हम पीछे बैठेंगे, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे ये पीछे बैठेंगे और शॉट लेंगे। इसकी स्पीड क्या रहती है सर? 120 माइल्स पर आवर। 120 माइल्स पर आवर, 120 माइल्स पर आवर। ओह माय गॉड, ये कितने किलोमीटर का है वहाँ से यहाँ तक? अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर। अभी कितनी स्पीड में लेके आए थे? मतलब 60-70 तो होगी? हाँ 60-70। भाई साहब 60-70 की स्पीड में बहुत ही ज़्यादा स्पीड थी यार, 70 माइल्स पर। मैं तो कूद रहा था पीछे बैठ के। अभी अपन चलाएंगे और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में नहीं चलाऊँगा क्योंकि फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, एक्सपीरियंस थोड़ा सा लेना है, और थोड़ा सा जैसे हाथ सेट होगा उसके बाद थोड़ा सी स्पीड बढ़ाएंगे। ओके सर, चले। ये यहाँ पर एक्सीलेटर रहता है, ये एक्सीलेटर है? ये सर, ये अच्छा, ये एक्सीलेटर है? हाँ ये एक्सीलेटर रहता है, और यहाँ पर ये ब्रेक रहता है। ओके सर, जब आप एक्सीलेटर को प्रेस करते हो तो बाइक मूव करेगी, ठीक है, और स्पीड का डिपेंड इसी पर रहता है, जितना जोर से प्रेस करोगे उतने बाइक तेज जाएगी, और जितना स्लो प्रेस करोगे उतना आराम से बाइक जाएगी, ठीक है ना सर? ओके, और ज़्यादा कुछ रहता ही नहीं है, जब आप एक्सीलेटर को फुल ऑन छोड़ते हो तो बाइक रुक जाती है ऑटोमेटिकली। अच्छा, अगर मैं इसको पूरा खींच लिया मैंने? अगर आपने इसको पूरा खींच लिया तो बाइक तेज जाएगी। अच्छा, इट इज 120 किलोमीटर, इट 100 माइल्स, और अगर आप इसको थोड़ा खींचते हो तो बाइक स्लो जाएगी, और अगर आप इसको छोड़ लेते हो तो बाइक रुक जाती है। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर स्कूटी, और यहाँ पर इंजन ऑन ऑफ का बटन रहता है सर। ओके, और यहाँ पर हम सेल्फ स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हम किक स्टार्ट करते हैं सर। ओके ओके सर, तो ये किक खींचने वाला, ठीक है, खींचने वाला, ठीक है। और यहाँ पर हम सेल्फ स्टार्ट भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टार्ट भी कर सकते हैं सर। और वैसे इंजन स्टार्ट करने का ये है, ये इंजन ऑन ऑफ सर। ओके, ये ऑलरेडी ऑन है ना? हाँ, ये पुश करने का ही है? ये पुश किया है हमने सर पहले, अगर आप इसे पुल करोगे तो ये ऑन हो, ये ऑफ हो जाएगा। अच्छा, पुश करते हो तो ये पुल किया हमने, ये पुल किया तो ऑन हो गया, ऑन हो गया, पुश किया तो ऑफ हो गया, ठीक है सर, इसको पुल करने पर आप ऑन। ओके, सो चीज़ें समझ में आ गई है। अब ड्राइव करना है, अब ड्राइव करना है, ऑल प्रिपेयर्ड, ऑल डन, लेट्स गो, और लेट्स गो, इंजन स्टार्ट। ओके, ये है सर, ये सर एक्सीलेटर, और ये है इसमें गियर। अच्छा, सो बहुत ही आसान एक्सपीरियंस, अब देखते हैं चलाते हैं। We'll be right back.
यहाँ पे रुकते हैं और कैमरे का एंगल मैं अपने हेड पे लगाता हूँ, हेड स्टैंड ही है मेरे पास में और उसमें लगाएंगे और उसका शॉट लेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके लेते हैं शॉट। स्नोमोबाइल के ऊपर राइड करी है और भैया बहुत ही अच्छा लगा, अलग अलग शॉट भी लिए और बशीर भाई के साथ में मज़ा आया यार। और अच्छा, इस स्नोमोबाइल का नॉलेज थोड़ा सा मुझे दो कि ये कहाँ से बन के आते हैं और इसमें क्या पेट्रोल पड़ता है, डीजल पड़ता है, क्या है सीन? सर एक्चुअली ये USA से आती है, यहाँ पर नहीं बनती है ये, इंडिया में नहीं बनती, इंडिया में नहीं बनती क्योंकि यहाँ पर इंडिया में आपको पता होगा ज़्यादा जगहों पर सुनो नहीं पड़ती है। इसी वजह से यहाँ पर इंडिया पर मैन्युफैक्चर नहीं होता है। अच्छा। बिगेस्ट रीज़न कि यहाँ पर जब ज़रूरत ही नहीं तो बनेगी नहीं इसलिए। और बात रही इस बाइक की, ये 550 cc की बाइक है और ये पेट्रोल पर चलती है और इसमें इंजन ऑयल भी लगता है सर। कितना आप राउंड लगा लेते हो तो पेट्रोल कितने लीटर जाता है इसमें? अप्रॉक्सीमेटली ये 1 लीटर पे ये कोई 1.5 किलोमीटर का माइलेज देती है। 1 लीटर पे 1.5 किलोमीटर का? हाँ सर। ओके चलो, बहुत ही बढ़िया लगा यार, मज़ा आया बशीर भाई। थैंक यू सो मच। शॉर्ट इन्जॉय करो और मज़ा करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई, मज़ा आया भाई। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? मंजूर। द प्रेसिडेंट ऑफ स्नोमोबाइल एसोसिएशन। ओके। आई एम वर्किंग हियर सिंस फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स। ओके। सो 10 साल से काम कर रहे मंजूर भाई और स्नोमोबाइल एसोसिएशन के हेड। हां जी। बहुत ही अच्छा लगा यार, बहुत ही अच्छी राइड थी। चलो आपसे मिलकर भी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आते हैं नेक्स्ट ईयर। सर कहां से सर? मैं यूपी लखनऊ, लखीमपुर खीरी है मेन होम टाउन, लखनऊ के पास में ही है। सो वैसे तो अभी 10,000 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर रहा हूँ, सो 8,000 किलोमीटर हो गए, अब होम टाउन पे जाके राइड कंप्लीट करूँगा उसको। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। फेज़ 1 पे आके आपको सारे एक्टिविटीज आपको मिल जाते हैं देखने लायक, और फेज़ 2 पे जब अगर सनी एरिया होता है ना तो सनी एरिया पे आप उतने ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं सारी चीज़ें क्योंकि केबल कार जा रहे हैं। सो जो केबल कार जा रही है, केबल कार आप देख सकते हो, ये जा रही फेज़ 2 के ऊपर, फेज़ 2 पे, और क्योंकि विजिबिलिटी है नहीं उतनी अच्छी तो जा नहीं पाऊँगा, सो इसलिए फेज़ 2 जाना बहुत ही बेटर था लेकिन उतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही है। सो आई थॉट कि फेज़ 1 कम्प्लीट हो चुका है, स्क्रीनिंग वगैरह मैंने कुफरी में कर ली था तो स्क्रीनिंग वगैरह मेरा करने का भी मूड है नहीं। वैसे आप लोग आते हो तो स्क्रीनिंग वगैरह भी कर सकते हो और स्नो मोबाइल है वो कर सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा है तो खा सकते हो कुछ भी। बस वापस जाने का टाइम हो चुका है और निकलते हैं यहाँ से फिर से तैयार घंटोला में बैठने के लिए। आई थिंक रिटर्निंग के लिए मैं अकेला हूँ भाई। विजिबिलिटी थोड़ा सा कम है इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन कम हुआ, लेकिन उस हिसाब से ज़्यादा भी हुआ। स्नो मोबाइल मैंने पहली बार चलाया है, ऑसम एक्सपीरियंस। और अभी चलते हैं अपने होटल और होटल पहुंच के फिर बाइक लोड करते हैं और बाइक लोड करके फिर निकलते हैं कहाँ, श्रीनगर के लिए। और पॉसिबल हो पाया क्योंकि मेरे पास में बाइक है तो हाउस बोट पे रहना मुमकिन नहीं है क्योंकि बाइक की पार्किंग में नहीं मिलेगी और बाइक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज आया ही हूँ बाइक पे, तो अगर बाइक रोड साइड पे खड़ी कर देंगे या फुटपाथ पे खड़ी कर देंगे जो कि नो पार्किंग एरिया डल लेक के आसपास है तो वो मेरे लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेकार रहेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्या किया जाए।
तो देखते हैं। बहुत ही बढ़िया होटल है, ज़्यादा आपको रिजॉर्ट यहाँ के सभी रिजॉर्ट आपको इसी साइज में ही मिलेंगे, और रिजॉर्ट जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से रिजॉर्ट है। गुलमर्ग का स्टे बहुत ही अच्छा रहा, और देखते हैं अभी आगे श्रीनगर में स्टे कैसा रहता है। स्टे ट्यून्ड फॉर श्रीनगर ब्लॉग।